हेलो फ्रेंड, टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड मैं महताब खान जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो है एनपी एवी का जो है नेट प्रोटेक्टर। आज मैं इसकी खासियत बताऊंगा और इसकी जो है अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा कि जो है इसमें क्या क्या है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, उसकी क्या खासियत है, क्या हमें एनपी एवी ही यूज करना चाहिए या अदर जो है एंटीवायरस भी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों जो है ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो है एनपी एवी का जो है एनपी एवी का टोटली प्रोटेक्टर जो है एंटीवायरस है। तो दोस्तों जो है इसमें जो क्या क्या खासियत है तो इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एनपीएवी का एक जो है नॉर्मल जो है प्रोटेक्टर भी जो है आता है, लेकिन वो अगर आपको नेट चलाना है तो एनपीएवी का टोटली प्रोटेक्टर जो है सिक्योरिटी को जो है आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है मैं देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास जो लैपटॉप है तो इस लैपटॉप के लिए मैं लिया हूँ अभी, और इसको इंस्टॉल करने से पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है एनपीएवी में टोटल प्रोटेक्टर सिक्योरिटी में जो है क्या खासियत है। तो दोस्तों इसमें जो है 21 टॉप फीचर है। तो दोस्तों ये 21 टॉप फीचर क्या क्या है तो मैं बता दूं कि इसमें जो है एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, एंटी स्पेयर, एंटी रॉट किट, ऑटोमेटिक अपडेट, एडवर्टाइज ब्लॉकर, एंटी स्पैम, ओएस फेयरवॉल, एंटी फिशिंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट फाइल डिटेक्शन, ईमेल बैकअप, क्लाउड एंटी मालवेयर, प्राइवेसी कंट्रोल, एलएनपी प्रोटेक्शन, शेयर प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, रिमोट प्लस फोन सपोर्ट, टाटा बैकअप, वैल्युएबिलिटी स्कैन, यूएसबी लॉकर। तो दोस्तों ये 21 टॉप फीचर इसके अंदर है। तो ये आपका जो है आपके लैपटॉप के लिए जो है सिक्योरिटी का बहुत ही बढ़िया जो इसका फीचर है। तो दोस्तों अगर जो है आप भी लैपटॉप यूज करते हैं तो अगर आप एंटीवायरस डालना चाहते हैं तो आप जो है एनपीएवी का जो है नेट प्रोटेक्टर टोटली सिक्योरिटी का जो है आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। वैसे तो अगर आप एंटीवायरस यूज किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि उसमें क्या होता है, कैसेट होती है प्लस एक जो है की होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या है। जो है यहाँ से ये हम फाड़ लेंगे, हार्ड जो है गोद में लगाया हुआ है, ये बहुत मेहनत करने के बाद ये निकल गया। अब इसको जो है हम देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ये वो किया तो ये एक जो है कैसेट निकली। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये एनपीएवी का जो है नेट प्रोटेक्टर 2019 लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो है सीडी है और फ्रेंड देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो फ्रेंड इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है, खाली है। हाँ, इसका पिन जो है दिया हुआ है, पिन जो है हम आपको दिखा देते हैं। ये पिन यहाँ पे इस तरह से चपकाया है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे जो है रिमूव करके निकाल लेंगे आराम से, पिन फटने ना पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है स्क्रैच कार्ड सा जो है ये इसका पिन है, तो इसको हम स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने के बाद जो है हम देखते हैं कि हम की से जो है इसको स्क्रैच कर लेते हैं और इसका पिन देख लेते हैं क्या है इसका पिन। दोस्तों ये इसका की है, आप देख सकते हैं ब्लर हो रहा होगा, साफ दिख नहीं रहा। दोस्तों ये एक सिंगल जो है पीसी के लिए है, तो मैं अपने लैपटॉप में अगर इंस्टॉल कर लूंगा फिर मैं दूसरे लैपटॉप में जो है इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। एक की एक ही लैपटॉप में जो है इंस्टॉल हो सकता है। अगर 3 PC का अगर मैं जो है एनपीएवी का जो डिवाइस लिया होता तो मैं 3 जो है पीसी में इंस्टॉल करके चला सकता था, लेकिन मैं सिंगल पीसी का लिया हूँ। तो दोस्तों जो है अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं पहले से जो है एनपीएवी का जो है एंटीवायरस अपने लैपटॉप में यूज करता था, जो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको को दिखाई दे रहा होगा, उठा के दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल है पहले से। अब मैं इसमें न्यू पिन जो है जनरेट करूंगा, यहाँ पे न्यू पिन मांग रहा, तो मैं अपनी न्यू पिन इसमें टाइप करूंगा।
तो इसकी जो है न्यू पिन में टाइप कर रहा हूँ, न्यू पिन में डाल के दोस्तों जो है इसको इसमें डीलर कोड भी मांग रहा है, डीलर कोड जो है मुझे डीलर लिख कर दिया है तो इसको मैं डाल देता हूँ। डीलर कोड सी दोस्तों, जैसे ही मैंने डीलर कोड डाला, डीलर का नेम आ गया साइबर कंप्यूटर के नाम से। तो इस तरह से जो है मैं इसको कर चुका हूँ और अब इसको मैं सेव करता हूँ। दोस्तों मैं इसको कर लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस आप लोगों की जानकारी के लिए मैं जो है इसकी अनबॉक्सिंग किया। हो सकता है कि आप पहले से कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है किया हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बगल में जो है घंटे के बटन को जो जरूर दबा दें टेक्निकल वीडियो जो पाने के लिए। दोस्तों मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक का भी जो वीडियो डालता हूँ टेक्निकल भी डालता हूँ। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मैं अगले वीडियो में इसी तरह से जो है कोई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आपसे मिलूंगा।